हेलो माय फ्रेंड, मैं डॉक्टर सौरभ दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे IBS के बारे में, मींस इरिटेबल वॉल सिंड्रोम। ये बीमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, तो हम आज बात करेंगे ये बीमारी क्या है, इसके कॉज क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है और होम रेमिडीज़ और प्रिवेंशन कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं IBS होता क्या है। जैसे कि आप कोई भी खाना खाते हैं और वो खाना डाइजेस्ट होकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन इरिटेट होने लगेगी और आपको लूज मोशन, वोमिटिंग, डायरिया और एब्डोमन पेन शुरू हो जाएगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। जो भी आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, वहाँ पे न्यूट्रिशन पार्ट और वाटर सेपरेट होके आपके ब्लड से मिक्स होंगे और आपका शरीर को लगेगा और आपका शरीर डेवलप होगा। अब IBS में होता क्या है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट को रेगुलेट करती है। IBS में ये मूवमेंट इनरेगुलर हो जाती है, कभी तो ज़्यादा होगी या तो कभी कम होगी। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होगी तब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और लूज मोशन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगा। उसी तरह जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगी और डाइजेस्टिव फूड आपके इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा और वो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन डेवलप करेगा और बदहजमी डेवलप करेगा और लोअर एब्डोमेन पेन शुरू कर देगा। अब हम बात करते हैं IBS के कॉज के बारे में। IBS का कॉज इडियोपैथिक है, अभी तक इसके कॉज का पता नहीं चल पाया, लेकिन ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनको इररेगुलर फूड प्लान और इररेगुलर डाइट प्लान होती है, और उन व्यक्ति को ज़्यादा होती बीमारी जो ज़्यादातर स्पाइसी और तला भुना फूड ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति स्मोक, एल्कोहल, टबैक को ज़्यादा लेते हैं उन व्यक्ति को इस बीमारी का खतरा होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको भी IBS का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति पानी ज़रूरत से कम लेते हैं उनको भी IBS का खतरा होता है, क्योंकि जो वाटर है आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं IBS के साइन और सिम्टम के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे इंटेस्टाइन की पैरास्टैटिक मूवमेंट होती हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं। तो क्या होगा, कभी कभी तो पैरास्टैटिक मूवमेंट ज़्यादा हो जाएंगी जिसके वजह से पेशेंट को लूज मोशन लगेंगे, या पैरास्टैटिक मूवमेंट कम हो जाएंगी तो उसको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा स्टूल के साथ ब्लड आना और म्यूकस आना और एनल रीजन में इरीटेशन शुरू हो जाती है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में भी डाइजेस्ट फूड आपको लगेगा नहीं और खून की कमी, कमजोरी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमारे संस्थान में भी इसी तरह के पेशेंट आते हैं जिनको हम आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। अब हम बात करते हैं IBS के प्रिवेंशन और होम रेमेडीज़ के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रिवेंशन में है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, इसमें आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। दूसरा, आपको डाइट प्लान करना है जिसमें आपको लिक्विड डाइट और फाइबर डाइट का ज़्यादा सेवन करना है। इसके अलावा यदि हम होम रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने खाने में प्रोबायोटिक का यूज़ करना है। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है दही, आपको डेली कम से कम 2 से 3 कटोरी दही अपने खाने में यूज़ करना है। इसके अलावा आप 2 केले रात में सोते समय लें, ये IBS में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप सौंफ, सौंठ और अनारदाने का पाउडर 100-100 ग्राम लेके सम भाग में मिला लें और इसको एक एक चम्मच एक गिलास लस्सी में सुबह शाम लें। पर आपको कैसे सेवन करना है, जो सुबह का टाइम है वो आपको 8 से 9 के बीच में रखना है और जो इवनिंग का टाइम है वो आपको 5 से 6 के बीच में रखना है। मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने IBS की होम रेमेडीज़ बताई हैं वो आप रेगुलर फॉलो करेंगे और आपको इस बीमारी में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी। इसके अलावा आपको किसी भी बीमारी का आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पता नोट करें। थैंक यू। दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान का क्लिनिक दिल्ली और लुधियाना में है, और दिल्ली एड्रेस दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान, 4H1 गर्ग टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली 110034, और लुधियाना एड्रेस दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान, B3761 नियर बिंद्रा कॉम्प्लेक्स एंड बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा, कुंदन नगर, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, लुधियाना, पंजाब 141002।